गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे व्लॉग्स इंडिया राइट के आज के इस एपिसोड में अभी हम हैं कोडाई कनाल में तमिलनाडु में और आज हम तमिलनाडु में एक और जगह जाने वाले हैं जिसका नाम है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर एग्जैक्टली नहीं जा रहे हम जा रहे हैं यहाँ से ध्यानलिंगम विच इज़ एन ईशा फाउंडेशन जो बड़ा सा आदियोगी का स्टैचू आप देखते हैं रील्स में वीडियोज़ में हम वहीं पर जा रहे हैं। तो आज का प्लान ये है कि यहाँ से कोडाई कनाल से एक पॉइंट है जहाँ से पूरा मदुरई वगैरह सब कुछ दिखता है वो देखने के बाद हम सीधा चले जाएंगे ध्यानलिंगम। बाकी मैं तैयार हूँ, मेरे साथ विष्णु भाई है, विष्णु भाई काम और ही इज़ वेजी राइडर और हेल ये अभी चले जाएंगे मेरे साथ कोयम्बतूर जाएंगे, ईशा फाउंडेशन जाएंगे, ध्यानलिंगम जाएंगे और वहाँ से फिर ये चले जाएंगे अपने घर विच इज़ इन त्रिशूर एंड मैं चला जाऊंगा वहाँ से फिर देखते हैं शायद वहीं रुकेंगे या फिर वहाँ जो भी प्लान बनेगा। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो बढ़िया, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और वैसे तो अभी टाइम 11 बज गया लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट कैसे हुआ तो हमसे रवि भाई मिलने आए थे, रवि शास्त्री जी, वो क्रिकेट वाले नहीं, ये बिहार से है और कोडाईकनाल में रहते हैं एंड ये हमसे मिलने आए थे। जब मिलने आए थे तो हमारे लिए बिहार का फेमस सत्तू पराठा और सेवई, सेवई को केरला में पायसम कहते हैं, तो ये लेकर आए थे सत्तू पराठा और शायद धनिया पत्ता का चटनी था। भाई थैंक यू सो मच रवि भाई, आपने एकदम बहुत दिनों के बाद मज़ेदार खाना खिलाया हमें। सो फॉर दिस टाइम बाय बाय कोडाई कनाल, बहुत मज़ा आया यहाँ आके। सबसे अच्छा लगा जो बादल एकदम नीचे नीचे आ जाते थे। कोडाई कनाल से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से अगर कहीं जाना है तो आपको फिर से वापस नीचे आना पड़ेगा, नीचे जाने के बाद ही रोड का डिवीज़न होता है। तो हम आए थे सीधे रास्ते से लेकिन अब हम यहाँ से कोयम्बतूर के लिए यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे। सुबह सुबह का टाइम है बढ़िया और पूरी जो वैली है वो फॉग से ढक गई है, धीरे धीरे फॉग एकदम ऊपर आता जा रहा है। ये रोड देखकर, ये मौसम देखकर मुझे मिज़ोरम की याद आ रही है। सेम ऐसा ही मौसम और रोड मुझे मिला था मिज़ोरम में जब हम मिज़ोरम से सिलचर की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल बगल बगल फॉग चल रहा था, पूरी वैली ऐसे फॉगी हो गई थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़े थोड़े फॉग ऐसे रोड पर भी आ गए थे। रोड पे बिल्कुल ऐसे ही थे, हालांकि इससे थोड़ा ज़्यादा साफ थे लेकिन बिल्कुल ऐसे ही थे। यहाँ पे भी आप देखो तो पूरा फॉग आ गया है, ये तो पेड़ वेड़ के कारण अंदर नहीं आ पाते फॉग, अदरवाइज पूरा फॉगी मय हो गया है पहाड़। तो हम ध्यानलिंगम से 161 किलोमीटर पहले हैं, टोटल टाइम लगेगा 3 hours 47 minutes और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है पहाड़ों पे जिसके कारण ऐसे रोड शायद बंद है। इस नज़ारे को देख देख कर काम करने का मज़ा ही कुछ और होगा। नहीं यार, वैसे भी जो पहाड़ों पे लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं क्योंकि एक तो हाइट पे काम करना, ऊपर से बार बार चढ़ना उतरना, प्लेन्स पे काम करना और पहाड़ों पे काम करना बहुत अंतर है। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लिया था क्योंकि यहाँ से एक डैम का व्यू है और पूरे बहुत सारे मेजर सिटीज़ का व्यू था, कुछ कुछ पहाड़ थे और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ऐसे पहाड़ों के बीच बीच में से रोड्स हैं। आज हम जा रहे हैं शिवजी से मिलने जो ध्यान मग्न में बैठे हैं
और ये जो पहाड़ है इसके ऊपर जो पूरा आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये एक मंदिर है कार्तिकेय का। कार्तिकेय है शिव जी के पुत्र, और साउथ में कार्तिक भगवान की बहुत पूजा होती है, मुरुगन के नाम से उनको जाना जाता है। और ये वही टेंपल है। अब हम आ गए हैं पहाड़ों से प्लेन पे, और ये है NH-83। NH-83 पे अभी हमें 38 किलोमीटर जाना है, और उसके बाद भी शायद सीधा ही जाना होगा। मस्त मौसम हो रहा भाई, बहुत सारे विंड मिल्स हैं आसपास, हालांकि थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी, अभी शायद मौसम थोड़ा सही हो रहा है। ऊपर काली शक्तियाँ हैं, बादल, और जो आदि योगी शिव है उनका जो स्टैचू है वो यहाँ से 93 किलोमीटर है। तो हम लगभग कोयम्बतूर पहुंच गए, और अगर हम सीधे चले जाते तो कोयम्बतूर चले जाते, और क्योंकि हम लेफ्ट जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं टुवर्ड्स आदि होगी। और मुझे थोड़ा भूख भी लगा यार, यही खा लें क्या कुछ? आर यू हंग्री? बट आई एम हंग्री। इनसे तो यार जब भी पूछता हूँ भूख लगा है तो ये कहते हैं नहीं। तो यहाँ से जो ईशा फाउंडेशन है वो है 40 किलोमीटर। और ईशा फाउंडेशन क्या है एग्जैक्टली? ईशा फाउंडेशन क्या है वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, आपको गूगल करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ जो बहुत बड़ी शिवा स्टैचू है उसका नाम है आदि योगी। आदि योगी क्या है, आदि योगी क्यों बुलाते हैं उनको? एक समय था जब एक योगी आए थे जिनका नाम था आदि योगी। उन्होंने योग के ज्ञान को और जो सत्य का ज्ञान है वो सप्त ऋषियों को दिया था। तो जब वो आए थे तो लोगों ने उनको फॉलो किया, और जब आप शिवा की स्टैचू भी देखोगे तो आपको लगेगा कि ये योग करते हुए हैं। शिवा को योग गुरु, शिव को योग गुरु बोला गया है। इनफैक्ट हम लोग कहते भी शिव आज भी गुरु है। तो अभी एक स्टॉप लिया था खाने के लिए, यार गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई यार। सुबह इतना मस्त मौसम था, अभी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, तो सुबह मैंने स्टॉप लिया गर्मी में अभी मैंने स्टॉप लिया था खाने के लिए, और वेज थाली खाया मैंने, 70 रुपीज़ का था। कुछ नहीं था यार उसमें, चावल दाल, और दाल भी नहीं था, सांभर। हम ठीक है, तो यहाँ से आदि योगी स्टैचू है 19 किलोमीटर, और आधा घंटा का समय लगेगा। अब मैं ऐसे रिसर्च कर रहा था कि आदि योगी की जो स्टैचू है ये यहाँ पर क्यों है, मतलब क्या ये सिंपल एक ऑर्डिनरी टेंपल है? तो मुझे पता चला नहीं, सबसे पहले तो ये एक ईशा फाउंडेशन के द्वारा वहाँ पे योगा वगैरह भी उस पर बहुत ज़्यादा ही जोर दिया जाता है। और आदि गुरु क्यों नाम है, तो आदि गुरु बहुत पहले, जब बहुत पहले 15,000 साल पहले की बात है, एक इंसान आया धरती पर जिसका नाम था आदि गुरु। तो लोग वहाँ पर, उनको लगा कि इसमें कुछ अलग बात है, तो लोगों ने बोला कि आप प्लीज़ कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखाइए, आप कुछ हमें ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बस बैठे रहे। वो तो धीरे धीरे उनमें से कुछ लोगों को पता चल गया कि उनके बैठने में ही कुछ ऐसा, एक जो पेशेंस है, जो योग है, वो कुछ उन्होंने देखा उनके अंदर। और फिर आदि गुरु ने सप्त ऋषियों को चुना और योग की शिक्षा दी, सत्य की शिक्षा दी, और बोला इसको कि इसको पूरे दुनिया में आप फैलाओ।
तो आदि गुरु फिर चले गए अपनी समय अपना समय पाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर सप्त ऋषि थे, उन्होंने भी अपना समय प्राप्त किया और अपना समय पाकर मृत्यु को प्राप्त किया। फिर उसके बाद एक और ऋषि आए, सुमेरा। तो सुमेरा ने ये सोचा कि मैं एक जागृत शिव बनाऊंगा। जागृत शिव वो प्राणी होगा जिसके अंदर शिव होंगे और उसकी आयु 1000 साल से ज़्यादा की होगी और वो जाकर पूरे दुनिया में सत्य का ज्ञान बांटेगा, योग का ज्ञान बांटेगा। ये अपने काम में लगे हुए थे लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाए। और लेकिन जाते जाते इन्होंने एक भविष्यवाणी की कि एक समय आएगा जब धरती पर जागृत शिव आएंगे और लोगों के जो दुख हैं वो दूर होंगे, उनको सत्य और सत्य का मार्ग दर्शन होगा। उसके बाद बहुत सारे योगियों ने अपने तंत्र मंत्र विद्या से जागृत शिव को बनाना चाहा। भोजपुर में एक जगह है जहाँ पर कुछ योगियों ने 95% लिंग बना लिया था, शिवलिंग, लेकिन फिर बाद में उन पर अटैक हो गया था तो वो नहीं बना पाए। तो वहाँ पर एक शिवलिंग अभी भी है जिसमें दरार है, क्योंकि जब अटैक हुआ था तो उस टाइम कुछ ऊर्जा वगैरह बंद करना था जो कर नहीं पाए थे। अब जाकर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सद्गुरु और उनके गुरु सब ने मिलकर यहाँ पर जागृत शिवलिंग को स्थापित किया। तो वहाँ पर एक शिवलिंग है जिसको ध्यान लिंगम कहते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर जाकर ध्यान लगाने से ही आपको अलग ही सुख की अनुभूति होती है। तो ये मैंने कहानी सुनी है, मुझे पता नहीं मुझे कितना सच है कितना गलत है। अगर इसमें से कुछ और ऐड करना है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि ये जो आदि योगी हैं, शिव हैं, बड़ा सा स्टैचू है, ये क्यों है, मैं भी जानूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से ध्यान लिंगम है 7 किलोमीटर्स और शायद इसको पूंडी टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि ये जगह शायद पूंडी, ये जगह का नाम शायद पूंडी है। तो हम एंटर कर रहे हैं ध्यान लिंगम। हर हर महादेव, लेकिन हमारे महादेव बैठे कहाँ हैं? ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस पेड़ के पीछे शायद आपने देख लिया होगा हमारे महादेव को। तो हम, मतलब मैं और विष्णु भाई, पहुँच गए हैं आदि योगी शिवा टेम्पल, ध्यान लिंगम। हमारे जस्ट सामने हैं शिव जी। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमने शिव जी के दर्शन किए और उसी के सामने एक शिवलिंग, मुझे लगा वही ध्यान लिंगम है, लेकिन वो ध्यान लिंगम नहीं है। ध्यान लिंगम इस शिवा स्टैचू के पीछे है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे 7 ऋषिज के स्कल्पचर्स बने हुए थे एक पूरे पत्थर में। वो फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं है, यहाँ पे ड्रोन शॉट भी अलाउड नहीं, इसीलिए मैं ले नहीं रहा हूँ। बाकी अभी हम जा रहे हैं ध्यान लिंगा टेम्पल। 15,000 साल से भी पहले, जब किसी भी धर्म का अस्तित्व नहीं था, आदि योगी शिव ने, जो कि पहले योगी थे, अपने 7 शिष्यों सप्त ऋषियों को योग विज्ञान में दीक्षित किया। आदि योगी का 112 फीट ऊंचा या भव्य चेहरा उन 112 तरीकों का प्रतीक है जिन्हें आदि योगी ने मानवता को भेंट किया। इनके माध्यम से मानव खुशहाली और मुक्ति पा सकता है। तो यहाँ से मंदिर जाने का वैसे जो डिस्टेंस है, दैट इज़ ओनली 400 मीटर्स, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी पर आप बैठ के जा सकते हैं। फेसबुक पोस्ट। तो अभी हुआ ये कि हम लोग आए, शिव जी की स्टैचू हमने देखी और यहाँ शिव जी के स्टैचू के पीछे ही ध्यान लिंगम है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपके पास जितने भी फ़ोन्स हैं, जितने भी कैमराज वगैरह सब कुछ है, उसको आपको डिपॉज़िट कराना होता है। तो हमने पहले डिपॉज़िट कराया, ये जो पूरा जगह देख रहे हो आप, यहाँ पर हमने डिपॉज़िट कराया। उसके बाद फिर हम गए अंदर विदाउट एनी कैमरा, विदाउट एनी फ़ोन, इवन कुछ भी लेकर नहीं गए थे। अंदर जाने के बाद वहाँ 2 टेंपल है, एक ध्यान लिंगम टेंपल है जो शिव जी का है और एक देवी का टेंपल है। तो पहले देवी के टेंपल के बारे में, उससे पहले आप सूरज कुंड में चाहे तो तीर्थ है वो, जैसे रामेश्वरम में था तो तीर्थ है, जैसे वो आप स्नान करके जा सकते हैं। पहले देवी के टेंपल, फिर ध्यान लिंगम। तो ध्यान लिंगम जब हम गए तो वहाँ पे एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो रही थी, वहाँ पे हम करीब आधा घंटे के आसपास बैठे रहे। उसके बाद
एक अलग सी एनर्जी मुझे रियली महसूस हुई यहाँ पे। जो शिव जी हैं, जो शिवलिंग है उसमें 7 चक्रास बने पड़े हैं, कहा जाता है वो जागृत महादेव है। तो मुझे सच में ऐसा लगा कि हाँ कुछ एक एनर्जी है जो जो मुझसे इंटरेक्ट कर रही है। ऑनेस्टली भोलेनाथ सबके साथ सच बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। तो अभी सारा सामान वामान, अंदर एक रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे आप जाके कुछ खाना वाना खा सकते हो। तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने वहाँ पे डोसा खाया। विष्णु भाई कम कैसा लगा आपको, हाउ डिड यू फील? वेरी गुड। अच्छा विष्णु भाई, तो विष्णु भाई यहाँ तीसरी बार आए हैं, इनको ये इधर एरिया का पता नहीं था। तो विष्णु भाई क्रेडिट गोज टू SJ Vlogs. तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, सो लेट्स लीव। चलो चलते हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। कभी वैसे तमिलनाडु में आए कोयम्बतूर आप आओ तो यहाँ ज़रूर आना। ऑल दो थोड़ा सा ऐसा अभी रात हो गया, बट कोई बात नहीं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ मुझे लगा था कि शायद आसपास कहीं स्टे मिलेगा, बट विष्णु भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्टे नहीं मिल सकता है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ से जो नियरेस्ट सिटी है दैट इज़ कोयम्बतूर, विष्णु भाई चले जाएंगे त्रिशु और मैं जा रहा हूँ कोयम्बतूर। तो हम लोग लगभग निकल चुके थे। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं बहुत हेल्पफुल है, वो बताते हैं कि अभी क्या होने वाला तो अभी यहाँ पे एक लेजर शो होगा। हमने कहा वो, उन्होंने कहा ये भी देख लो 15 मिनट का है हमारा। ठीक, 15। तो अभी हम देखेंगे लेजर शो। Years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. Transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. तो भाई हम आ गए अपने रूम पे और यहाँ से अब प्लान ये रहेगा कि कल हम यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स वायनाड ऊटी होते हुए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आदि योगी का जो वो
लाइट शो है, ये भी पसंद आया होगा। और अगर आया है तो यार आज के इस वीडियो में हर हर महादेव तो लिखना ही, गूज बम पा रहे थे ये पूरा लाइट शो देख के। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आई है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर पहली बार देखा है तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द इंडिया राइट के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।